हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप इंस्टाग्राम में इस तरह की कलरिंग टेक्स्ट कैसे दोगे। ये अगर आप दोगे तो आपकी वीडियो बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा और आपकी वीडियो में व्यूज़ आने का चांस बहुत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखो, मैं इस वीडियो में, ये मेरी वीडियो है, यहाँ पर कलरिंग फॉन्ट लिख दिया। तो इस तरह की कलरिंग टेक्स्ट आप आपकी वीडियो की हेडिंग में, टाइटल में कैसे लिख सकते हो, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आप पहले आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम ओपन कर लो, इस तरह से रहेगा। इंस्टाग्राम ओपन करते उसके बाद नीचे यहाँ पर जो जहाँ पर आपकी प्रोफाइल आइकन दिख रहा है उसके वहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करते आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। प्रोफाइल खुलते ही यहाँ पर आपकी प्रोफाइल इस तरह से शो करेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो बीच वाले रील ऑप्शन पर जाना है। बीच वाले रील ऑप्शन पर जाओ, यहाँ पर आपकी जितना भी रील है वो यहाँ पर शो होगा। शो होने के बाद यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में ड्राफ्ट बोलकर शो हो रहा है। ड्राफ्ट के वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाके आप जो वीडियो अपलोड करना चाहते हो, मान लो ये वीडियो को मैं इस वीडियो के अंदर एक टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ और लिख के यहाँ पर मैं कलरिंग फॉन्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो इस वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये खुल जाएगा और ऊपर में एडिट ऑप्शन है। तो एडिट ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा तो ये वीडियो चलने लग जाएगी। चलने लग जाने के बाद अब मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा। तो यहाँ पर देखो ये लिखूँगा, ये जो ए लिखा हुआ है, ए के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख लूँगा अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे लिख रहा हूँ पूव। उसके बाद यहाँ पर कुछ लिखा मैं लिख लेता हूँ, सैड थिंग्स ऑफ जॉब, ऐसे लिख रहे हो। अब जॉब को अगर मैं रेट करना चाहता हूँ तो पहले क्या करूँगा, इस जॉब वाला राइट को इस तरह से आ जाएगा। अगर इसको आप क्लिक करोगे, थोड़ा सा होल्ड करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। और उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऊपर में देखो एक ए साइनर है, मिडिल वाले ए पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इस तरह से ये फॉन्ट मोटा हो जाएगी। अगर अब मोटा नहीं करना चाहते फिर से इसके ऊपर क्लिक कर दो, इस तरह से ब्लैक हो जाएगी। फिर से इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। अब आपको इसको सिलेक्ट करो, इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में कलर आइकन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करते ही अब देखो यहाँ पर नीचे कलर आ रहा है। अब नीचे कलर के यहाँ पर रेड फॉन्ट सिलेक्ट कर लो, देखो रेड हो गया। तो इस तरह से इसको रेड कर दिया, अब ऊपर उठा दिया। मान लो फिर से इसको अगर सैड को मैं ब्लैक करना चाहता हूँ तो सैड के ऊपर क्लिक करूँगा, या फिर ब्लू करना चाहता हूँ तो ब्लू कर दूँगा। तो इस तरह से आपकी जो हेडिंग है इसको आप कलरिंग कर सकते हो। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, इस तरह की और वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।